नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुष्यंत कुमार और स्वागत है दोस्तों आपका डीके नॉलेज चैनल में। दोस्तों देखिए, काफी दिन के बाद आज गणित की महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं जो संबंधित है। दोस्तों देखिए, जो हमारा सरलीकरण जो चैप्टर होता है उससे संबंधित है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब हम सवालों को सरल करते हैं तो किस तरह से सरल करते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा नियम आता है बोडमस का नियम। इसे हिंदी में अगर बात करते हैं दोस्तों तो कोका भागु योग के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों ये है क्या, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों देखिए, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों देखिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ये बोडमस का नियम, चाहे हम अंग्रेजी में लिख सकते हैं चाहे हिंदी में लिख सकते हैं, देखिए इससे कुछ लेना नहीं। लेकिन देखिए हम अंग्रेजी में लिख लेते हैं। देखिए वी से सबसे पहले वी हो गया हमारा, फिर उसके बाद ओ है दोस्तों, उसके बाद डी है, उसके बाद हमारा एम है, उसके बाद ए है और उसके बाद एस है। अब दोस्तों देखिए ये सारे जो अक्षर दे रखे हैं तो इनका कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर निकलता है। देखिए यहाँ देख से हैं, बी से मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट्स, यानी इसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों कोष्ठक। अब देखिए दोस्तों कोष्ठक के बारे में बात कर लेते हैं। कोष्ठक कुल चार प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों होते कौन कौन से हैं, देखिए एक कोष्ठक होता है हमारा, ये सरल रेखा खींच दी जाती है अंकों के ऊपर, तो दोस्तों इस वाले कोष्ठक को हम दंड कोष्ठक के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है दोस्तों हमारा ये वाला, इसे छोटे कोष्ठक के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है दोस्तों ये वाला, तो इसे दोस्तों मझले कोष्ठक के नाम से जानते हैं। और एक होता है दोस्तों हमारा सबसे बड़ा वाला, ये वाला, तो इसे जो दोस्तों बड़े कोष्ठक के नाम से जानते हैं। अर्थात जो कोष्ठक होते हैं हमारे चार प्रकार के होते हैं, चारों मैंने आपको बता दिए। देखिए होता क्या दोस्तों, इसके साथ साथ एक बात और आपको बताता चलूं कि जब हम सरलीकरण की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें होता क्या, सबसे पहले हम ये दंड कोष्ठक जो इसे खोलते हैं, उसके बाद छोटा कोष्ठक खोलते हैं, उसके बाद मंझला कोष्ठक खोलते हैं, और सबसे अंत में जो है हमारा बड़ा वाला कोष्ठक खोलने के बाद सरलीकरण की प्रक्रिया करते हैं। तो दोस्तों देखिए मैं आपको सवाल करके बताऊंगा, लेकिन पहले इसे समझ लेते हैं। देखिए ओ से मतलब होता है दोस्तों ऑफ, ऑफ का मतलब का, ठीक है, ये यहां भी का रहेगा, ठीक है। और देखिए डी से मतलब होता है दोस्तों डिवीजन, और डिवीजन से मतलब होता है दोस्तों भाग, यानी यहां निशान, देखिए भाग का निशान मैं आपको बता देता हूं ये। और इसके बाद देखिए एम से होता है दोस्तों हमारा मल्टीप्लाइकेशन, और मल्टीप्लाइकेशन से मतलब होता है दोस्तों हमारा गुणा, और गुणा का निशान आप इस तरह से जानते हैं, यानी चिन्ह ये इस तरह से लगता है। इसी तरह से दोस्तों ये से होता है हमारा एडिशन, और एडिशन दोस्तों जोड़ के लिए बोलते हैं हिंदी में, और इसका जो निशान होता है आप ये समझते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, ये एस से होता है दोस्तों हमारा सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब होता है दोस्तों घटा या घटाना, ठीक है, और इसका जो निशान होता है ये होता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ हिंदी में भी जो लिखकर मैंने आपको बताया, ये लिख रहा कोका भागु योग, तो इधर थोड़ा सा देख ले, इसे भी देख लेते हैं। देखिए इधर देखिए को से होता है दोस्तों हमारा कोष्ठक, वही आ जाएगा, और का से दोस्तों फिर हमारा का हो जाएगा, और देखिए ये भा लिख रहा है तो भा से दोस्तों भाग हो जाएगा, और देखिए गु लिख रहा है तो गु से गुणा हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों यो लिख रहा है ये से योग हो जाएगा, और अंत में जो घ बन रहा तो उससे मतलब हो जाएगा दोस्तों घटाना। यानी आप देख रहे हैं कोका भागु योग कह लो या फिर बोडमस का नियम कह लो, ये दोनों ही सेम है, और दोनों की प्रक्रिया यानी जब हम सरलीकरण की प्रक्रिया करते हैं तो इस नियम के अनुसार ही करते हैं, तभी हमारा जो सवाल है शुद्ध माना जाएगा, सही माना जाएगा, अन्यथा हमारा जो सवाल है वो गलत माना जाएगा। अब देखिए बात करते हैं कैसे दोस्तों हम सवाल कैसे करते हैं और इन कोष्ठकों का दोस्तों प्रयोग क्यों करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए आपने देखा होगा दोस्तों कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां हम कोष्ठकों का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। देखिए सामान्य रूप से हम देखिए भाग वाली प्रक्रियाएं, गुणा वाली प्रक्रियाएं, जोड़ वाली प्रक्रियाएं और माइनस यानी घटाने वाली प्रक्रियाएं करते रहते हैं, यानी ऐसे सवालों को हम कॉमन रूप से करते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए ब्रैकेटों का जो यूज है वो किस प्रकार किया जाता है और क्यों किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए पहले इसे मिटा लेते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि सिंपल रूप से अगर हमें सवाल दे रखा है तब तो हम कर देते हैं, ये
यानी जो हमारी गुणा वाली, भाग वाली, जोड़ वाली और घटा वाली जो प्रक्रियाएं हैं सामान्य रूप से हम करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी जब ब्रैकेट्स आ जाते हैं सवालों में तब उन्हें कैसा हल करना मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहले सामान्य रूप से एक सवाल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये दे रखा है 3 दे रखा है, तो इसे तो सामान्य रूप से एकदम हल कर देते हैं। कर कैसे देते हैं, देखिए सबसे पहले हम भाग की प्रक्रिया करेंगे, उसके बाद गुणा की करेंगे, अगर गुणा है तो, गुणा नहीं है तो फिर अगर प्लस है यानी जोड़ है तो जोड़ करेंगे, और उसके बाद अगर जोड़ भी नहीं है, घटा है तो घटा करेंगे। यानी क्रम हमें उसी प्रकार लेना है जो जैसा कि मैंने बताया था भागु योग यानी कोका भागु योग के अनुसार। लेकिन देखिए इसे तो हम कर लेंगे, देखिए अगर 3 से हम भाग देंगे, सबसे पहले भाग करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 प्लस हमारा फिर 4 माइनस का 3, और फिर इसके अकॉर्डिंग देखिए यानी भाग के बाद गुणा होती है, लेकिन गुणा हमारा है नहीं तो इसलिए योग करेंगे, तो योग कर लेते हैं कि 4 और 4 कितना हो गया 8, और 8 में से माइनस का 3 सबसे लास्ट में घटेगा क्योंकि योग है अंत में यानी घटाना। तो अब देखिए ये कितना बच जाएगा, ये 5 बच जाएगा। तो ये तो दोस्तों सामान्य सवाल था, इसे तो हम कर ही लेते हैं ज्यादातर कॉमन है। लेकिन देखिए अब ब्रैकेटों का प्रयोग जो हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, देखिए कभी कभी ऐसी समस्याएं आती हैं। मान लो एक सवाल दिया है, उस सवाल में ये बोला गया, क्या बोला गया देखिए कि 36 को, सॉरी 36 में 3 और 4 की गुणा से भाग दीजिए। 36 में यानी दे दिया 36 में 3 और 4 की गुणा से भाग दीजिए। मान लो अगर मान लो इस वाले सवाल को हमने इस तरह से लिख लिया 3 गुणा 4 से भाग दीजिए, ये दे दिया, तो ये वाला जो सवाल आएगा दोस्तों हमारा गलत आएगा, जबकि इसका जो शुद्ध रूप में लिखने का तरीका वो ये होगा 36 भाग, और ये ब्रैकेट का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि इनकी जो गुणा है पहले कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर, तब हम भाग करेंगे, तब हमारा सवाल जो बिल्कुल शुद्ध होगा। देखिए जैसा ये सवाल है, मान लो अब इसे सरल करेंगे तो इसका जो उत्तर आएगा बिल्कुल सही आएगा। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मान लो दे दिया कि 36 में 3 गुणा 4 से 4 और 8 अधिक से भाग दीजिए, ठीक है 8 अधिक से भाग दीजिए, तब ऐसी सिचुएशन आती है। देखो ये हम 36 तो ऐसे लिख लेंगे, और भाग और 3 गुणा 4 और कह रहा 8 से भाग दीजिए, तो 8 हमारा दोस्तों यहां आ जाएगा प्लस, क्योंकि 8 अधिक की बात की गई है, तो तब हमारा मझला ब्रैकेट आ जाएगा। और इसी प्रकार अगर कोई आगे एक बात और जोड़ दी जाती तो फिर हमारा बड़ा कोष्टक का यूज हो जाता, ठीक है, तो तब हमारा सवाल जो बिल्कुल ठीक होगा। जैसा कि मैं दोनों को हल करके दिखाता हूँ, इस वाले को भी और इस वाले में कितना डिफरेंस है। देखिए यहाँ भाग की प्रक्रिया सबसे पहला करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे। देखिए 3 की अगर हम 36 में भाग करते हैं तो 12 या 36 होता, तो हमारा 12 गुणा कितना आ जाएगा 4, यानी 12 चौक हमारा आएगा 48, ठीक है ये 48 आ गया। लेकिन अब इसका देखिए, इसका करते हैं, देखिए यहाँ पहले हम गुणा कर लेंगे, 3 की और 4 की गुणा करी तो 3 चौक 12, और 12 की दोस्तों देखिए ये हमारा 36 पहले ही था और ब्रैकेट के अंदर हमने हल कर लिया, तो कितना आया हमारा निकल के 12, और 12 की दोस्तों हम जब 36 को भाग देंगे 12 से तो हमारा 3 निकल के आया, 12 या 36 तो 3 आ जाए। देखिए यहाँ कितना डिफरेंस है, यहाँ उत्तर 48 आया था और यहाँ निकल के 3 आया, ऊपर वाला अशुद्ध उत्तर है और नीचे वाला शुद्ध है, यानी ये वाला करेक्ट है ये वाला गलत, ठीक है। इसी तरह से हम इनका ब्रैकेटों का प्रयोग करते हैं ताकि हमारा जो सवाल है शुद्ध हो सके। बोडमस नियम का, कोका भागु जो नियम है, इसका जो प्रयोग करते हैं हम इसीलिए करते हैं सवाल में अशुद्धियां नहीं रहे। जैसा कि मैं देखिए एक सवाल आपको बताता हूं करके, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। हाँ तो देखिए दोस्तों एक सवाल मैंने आपके सामने लिखा है, देखिए मैं इसे हल करके दिखाता हूँ। इसमें जो हमारे ब्रैकेट्स हैं लगभग 3 ब्रैकेट्सों का प्रयोग इसमें हुआ है, सॉरी 4 ब्रैकेट्सों का प्रयोग हुआ है, तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा और खोलने का तरीका भी आपको बताऊंगा। देखिए इसके रूल्स भी बताता हूँ। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर मान लो कहीं कोई चिन्ह नहीं दे रखा, कोई निशान नहीं दे रखा कोष्टक से बाहर या फिर कोष्टक के बीच में कह सकते हैं, जैसा मान लो यहाँ अंक ये प्लस दे रखा, प्लस या माइनस का अगर निशान नहीं दे रखा तो वहां दोस्तों गुणा का निशान माना जाता है, वहां गुणा का निशान माना जाता है, तो उसे लगा भी देते हैं कभी नहीं लगाते, जैसा ये लग रहा है, अगर इसे मान लो हटा दूं मैं तो समझ लेना यहाँ गुणा का ही निशान है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसे सरल करते हैं, सरल करने की जो प्रक्रिया दोस्तों सबसे छोटे वाले कोष्टक से होती है, सबसे छोटा जो कोष्टक है दोस्तों वो हमारा दंड कोष्टक है, उसके बाद ये छोटा कोष्टक हो गया, फिर मझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम करते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ से अंदर से लेकर चलते हैं और बाकी जो प्रक्रिया हमारी होती रहेगी, ये वाला जो ब्रैकेट है ये उससे अलग है बिल्कुल, तो इसकी भी सरलीकरण यही कर लेते हैं।
देखिए यहाँ देख रहे हैं आप 12, और 12 में से अगर 5 चले जाएं दोस्तों तो 7 बचा, 7 ही हम इधर लिख लेते हैं, कोई बात ना, ब्रैकेट में लिख लेते हैं अभी। और देखिए ये गुणा का निशान है तो गुणा का निशान लगे रहने देते हैं, मर्जी है ना लगाओ, क्योंकि होनी गुणा ही है, यहाँ गुणा का निशान ही है। अब देखिए बड़ा ब्रैकेट हमने लगा दिया, 6 ऐसे ही रहा हमारा, प्लस 3 भी ऐसे ही लिख लिया। और दोस्तों एक बात बहुत समझने की है, अगर कोष्टक से बाहर माइनस का निशान है, अगर कोष्टक से बाहर घटा का निशान है तो समझ लेना अंदर वाले जो चिन्ह है बदल जाएंगे, लेकिन अगर प्लस का निशान है तो अंदर वालों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे थे बिल्कुल सेम रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ प्लस का निशान है तो अंदर वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी फिलहाल, तो देखिए इसे खोल नहीं रहे लेकिन मैं बता रहा हूँ साथ साथ। अब देखिए ये हमारा प्लस 8 इसी तरह रह गया, और माइनस का 2 इसी तरह, और ये जो मंझला कोष्टक हमने ये ही लगा दिया, और ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि दंड कोष्टक जो मैंने यहाँ हटा दिया। अब देखिए अब जो आगे प्रक्रिया करते हैं हमारा 7 ऐसे ही रहेगा, 7 अब ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, कोई जरूरी नहीं क्योंकि अकेला अंक है, ठीक है। अब देखिए गुणा ऐसे ही रहा हमारा, ये बड़ा कोष्टक हमने लगे रहने दिया, प्लस का निशान हमारा यही रहा। अब देखिए इसके अंदर सरल कर लेते हैं, देखिए आप देख रहे हैं 3 और 8 कितने होते हैं, 3 और 8 होते हैं दोस्तों हमारे 11, तो 11 में से दोस्तों आप देख रहे हैं, देखिए ये 11 होते हैं, तो 11 में से देख रहे हैं आप, ठीक है, देखिए 11 8 ये भी हमारा प्लस का और ये भी हमारा प्लस का, तो आप देख रहे हैं देखिए ये 3 और ये है हमारा 8, 8 और 3 कितने होते हैं 11, तो इसे सरल कर लेंगे, देखिए 11 माइनस 2, 11 में से दोस्तों देखिए हमारा अगर 11 में से 2 चला जाता है, क्योंकि यहाँ माइनस का आप देख रहे हैं, तो 11 में से जब 2 चला जाएगा तो कितने बचे दोस्तों हमारे, देखिए 7 ऐसी रहेगा, और यहाँ आप देख रहे हैं 6 हमारा ऐसी रहा प्लस, और ये हमारा 11 में से अगर 2 चला गया तो कितना बचा दोस्तों, 9 बचा, 9 हम इसे मझले ब्रैकेट में लिख लेंगे, और ये बड़ा वाला हमारा लगता रहेगा। अब देखिए आगे चलते हैं, देखिए 7 ऐसे ही रहेगा हमारा, और अब देखिए मझला कोष्टक भी खोल देंगे, 6 प्लस, अब ये देख रहे हैं आप कि यहाँ कितना था हमारा, 9 था, तो 9 सेम उतर जाएगा, ब्रैकेट हमारा हट जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा बड़ा कोष्टक बचा, अब ये बड़ा कोष्टक जो है दोस्तों देखिए इसके अंदर सरल कर लेंगे हम, और ये हमारा 7 चल ही रहा पहले की तरह, तो दोस्तों देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 6 और 9 कितने हो गए दोस्तों हमारे, 15 हो गए। अब देखिए 15 को अब बिल्कुल ब्रैकेट खत्म कर देंगे, तो 7 गुणा हमारा 15 आएगा, और 15 सत्ते दोस्तों होता है 105, यानी 105 यही हमारा आंसर है दोस्तों। इसी तरह से हमें सवाल करने होते हैं, यानी हमें तो बस नियम जो रूल्स है वही अपनाने हैं, कौन से कि सबसे पहले हम जो कोका भागु युग के अनुसार ही चलना, हमें सबसे पहले कोष्टक को खोलना है, दंड कोष्टक है तो दंड कोष्टक खोलेंगे, दंड कोष्टक नहीं है तो छोटा कोष्टक खोलेंगे, छोटा नहीं है तो फिर मंझला खोलेंगे, और मंझला भी नहीं है तो फिर बड़ा कोष्टक खोलेंगे, उसके बाद का यानी जो गुणा का निशान है, गुणा आता का की जगह, तो वहां जो गुणा करेंगे, और उसके बाद देखिए दोस्तों हमारा कोका भागु भाग करेंगे, यानी का वाले को सॉल्यूशन करने के बाद भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर योग करेंगे, और सबसे अंत में दोस्तों घटा करते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि चारों निशान या सारे निशान नहीं देकर, यानी कोष्टक और का नहीं देकर वो भाग से दे देता, यानी भाग दे दिया, गुणा नहीं दिया, योग दे दिया, घटा दे दिया, तो दोस्तों देखिए क्रम हमारा वही रहेगा, अगर मान लो गुणा नहीं दिया तो भाग पहले करेंगे, उसके बाद योग करेंगे, और उसके बाद घटा करेंगे, तभी हमारा सवाल शुद्ध होगा। कभी कभी देखिए ऐसा भी हो सकता है कि गुणा दे दिया, भाग नहीं दिया, तो क्रम हमारा वही रहेगा, पहले गुणा करेंगे, फिर योग करेंगे, और फिर घटा करेंगे। मान लो दो चीजें दे दें, योग और घटा दे दिया, तो सबसे पहले दोस्तों योग करेंगे, उसके बाद घटा करेंगे, क्रम हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, और सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं होगा अगर इस तरह से आप करते हैं, इस नियम को अपनाते हैं। तो दोस्तों देखिए आशा करता हूँ आपको पूरी तरह से ये चैप्टर जो समझ में आ गया होगा, और मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में इससे भी अच्छी वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।